नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले 1 से 23 तक इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करवा चुका हूँ, अगर उसको आप ना देखे हो तो पहले उसको देख लें, फिर इसके बाद इसको देख, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल भी आने वाला है, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो किसी चालक में गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? चार्ज के गतिमान होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह बल जो विद्युत धारा को चलाता है क्या कहलाता है? जो विद्युत धारा को चलाता है वो क्या कहलाता है? तो ईएमएफ कहलाता है, अर्थात विद्युत वाहक बल कहलाता है। ईएमएफ को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के अनुपात डॉट डॉट रहता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात कैसा रहता है? तो वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात समान रहता है। कैसा रहता है? समान रहता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है, मीटर जो विद्युत धारा को मापता है क्या कहलाता है? मीटर जो विद्युत धारा मापता है वो क्या कहलाता है? तो वह अमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? अमीटर। अगला क्वेश्चन है, मीटर जो वोल्टेज को मापता है क्या कहलाता है? तो मीटर जो वोल्टेज को मापता है वह क्या कहलाता है? तो वोल्टा मीटर कहलाता है। वोल्टा मीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मीटर जो प्रतिरोध को मापता है क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध को जो मापता है क्या कहलाता है? तो वो ओम मीटर कहलाता है। ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। और ओम का संकेत ऐसा होता है, ओम का संकेत इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, लंबी संचरण लाइनिंग में वोल्टेज किस में मापी जाती है? अगर लंबी संचरण लाइन है उसमें वोल्टेज को मापना होता है तो उसको हम किस में मापते हैं? तो उसको हम किलो वाट में मापते हैं, किलो वाट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक सूत्र आप पढ़े होंगे, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये सूत्र आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर से आप ये देख रहे हैं, अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लेकिन अगर क्षेत्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध उसका बढ़ता है। प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध का मान जो है घटता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हूं कि R बराबर रो इंटू एल बाई ए, इसको मैंने अभी अभी बताया हूं, ये एल है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कि घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की बनावट पर निर्भर करता है, अर्थात चालक की बनावट पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च की गई शक्ति कितना होगा? तो 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में अगर 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो खर्च की गई शक्ति, अगर शक्ति का मान निकालना होगा तो यहाँ से पी बराबर क्या होता है? पी बराबर वी इंटू आई। तो यहाँ पर हमारा कितना लिखा गया? 100 वोल्ट लिखा गया, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वोल्ट लिखा गया, वोल्ट नहीं है, ये वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो यहाँ पर V का मान हमारा 100 हो गया, धारा का मान हमारा 6 एम्पियर लिखा गया, तो गुणे 6 कर देंगे,
तो यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा 600, 600 में यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 100 वोल्ट लिखा गया, विभवांतर पर 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो खर्च की गई शक्ति कितनी होगी, शक्ति का मान कितना हो जाएगा 600 वाट हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 35 में 1.5 ओम का प्रतिरोध है, अर्थात यहाँ पर हमारा जो R का मान दिया गया है, R का मान 1.5 ओम लिखा गया है, 1.5 ओम, और यहाँ पर जो वोल्ट भी का मान दिया गया है, भी का मान 150 वोल्ट लिखा गया है। तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि जो है प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति P बराबर क्या होता है, तो यहाँ से अगर P बराबर हम निकालते हैं, तो P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है, V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ से अगर V स्क्वायर का मान अगर देखते हैं, तो V का मान यहाँ पर लिखा गया है 150, तो 150 × 150 हो जाएगा, और बटे नीचे कितना हो गया, आर का मान हमारा कितना लिखा गया है, आर का मान है 1.5, तो यहाँ से अगर 10 ये इसको हटाएंगे, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे 15 × 15 = 150, इसको गुणा कर देंगे, हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15000 क्या हो जाएगा आंसर हमारा, तो 15000 वाट हो। अगर इसको यहाँ पर देखिए, खपत की गई शक्ति कह रहा है, तो अगर खपत की गई शक्ति कह रहा है, तो 15000 क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलाने पर खर्च की गई ऊर्जा। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर 1500 वाट का हीटर है, उसको 4 घंटे तक चलाया जाता है, तो खर्च की गई ऊर्जा का मान कितना होगा, तो खपत ऊर्जा, इसका सूत्र होता है खपत ऊर्जा हमको निकालना है। तो खपत ऊर्जा बराबर क्या हो गया, जैसे 1000 वाट है, तो वाट 1000 ये हमारा हो जाएगा गुणे 4, तो इतनी ऊर्जा खपत होगी, लेकिन इसको हमको यूनिट बना अगर बताना है, तो ये जो आ जाएगा ये किलोवाट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम 1000 से, ये जो है वाट घंटा में हो गया, तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हमारा 1500 लिखा गया है, तो यहाँ पर हमारा 1500 हो जाएगा, सॉरी हमने क्या लिख दिया है, 1000 लिख दिया है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 1500 गुणे 4 हो जाएगा, और इसको जो हमको यूनिट बदलना है, तो यूनिट के लिए हमको नीचे 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो 00 से 00 ये हमारा कैंसिल हो गया, और जो है इसको ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 × 60 यहाँ पर आ गया, नीचे 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 6 यूनिट, अर्थात 6 यूनिट की ऊर्जा खपत होगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है, और अगर दोस्तों मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसको फिर से बता दीजिए, तो क्वेश्चन आपको फिर से बता दिया जाएगा, तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 1000 वाट के विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से डॉट डॉट होगी, तो कैसी होगी क्वेश्चन नंबर 37 में। तो अगर एक 1000 वाट का विद्युत स्त्री है द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट के द्वारा खपत की गई ऊर्जा कैसी होगी, तो दोस्तों अगर यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है यहाँ पर वाट, जैसे कि आप हीटर खरीदने जाते हैं, हीटर खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि 500 वाट का जो है नाइक्रोम का तार दे दीजिए, या फिर 1000 वाट का दे दीजिए, तो अगर जितना ज़्यादा वाट लेते हैं उतना ज़्यादा विद्युत ऊर्जा खपत होती है, तो उसी प्रकार से इसमें कह रहा है 1000 वाट के विद्युत स्त्री खपत द्वारा की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से होगी, कैसी होगी, अधिक होगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा, तो कैसा होगा, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा आंसर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, अधिक होगा, कितना होगा, अधिक, अधिक यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 200 वाट के 5 लैंप द्वारा 50 पैसे/kW की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा होगी, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को।
200 वाट के 5 लैंप है, वो 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से जो है उसकी खपत हो रही है और 4 घंटे तक हम उसको यूज कर रहे हैं, तो खपत, तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, खपत ऊर्जा निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, खपत ऊर्जा, हम कितना यूनिट ऊर्जा खपत कर रहे हैं। तो खपत ऊर्जा अगर निकालते हैं, तो खपत ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 200 वाट के हैं, 5 बल्ब हैं और वो भी 4 घंटे तक जल रहे हैं, यूनिट बदलने के लिए भागे 1000 कर देंगे। तो यहाँ से ये, इससे हमारा क्या होगा, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ से ये भी हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 × 5 = 10 से ये 10 हमारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर था 4 यूनिट हमारा आंसर आ गया, लेकिन कह रहा है कि 50 पैसे पर किलो वाट की दर से है। तो यहाँ पर 50 पैसे ये है गुड़े कितना कर देंगे, गुड़े हम 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 रुपये, कितना हो जाएगा, 2 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 1 वोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। जो भी यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और इसके आगे जो है धीरे धीरे आपका जितना भी क्वेश्चन है, लगभग इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो अगर भारी से भारी बच्चों की मात्रा में आप लोग अगर इसको देखते हो तो इससे, और अगर लाइक भी करते हो तो आपके लाइक करने से हमारा जो मनोबल होता है वो ऊंचा होता है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो हम श्योर है कि आपको पूरा विस्तृत पूर्वक इसी प्रकार से बताते चलेंगे। तो अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, नमस्कार।